लक्ष्मी चलेगी मलिष्का के खिलाफ डबल चाल, और मलिष्का की चाल को लक्ष्मी देगी उसके ही तौर तरीके से जवाब, और बेहोशी की दवाई खिला देगी लक्ष्मी मलिष्का को, और हो जाएगी मलिष्का अपनी माँ के साथ नशे में बेहोश, और स्विमिंग पूल में पकड़ लेगा ऋषि लक्ष्मी को और करेगा ऋषि लक्ष्मी को अपने प्यार का इजहार। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का की माँ लक्ष्मी को ऋषि से दूर रखने के लिए मलिष्का को पानी के ग्लास में नशे वाली दवाई मिलाकर देगी, और वेटर के जरिए वो नशे वाला पानी लक्ष्मी को देने के लिए जब भेजेगी, तभी होटल के मालिक का एक आदमी लक्ष्मी को छेड़ते हुए लक्ष्मी के पास आकर वेटर के पास से ग्लास लेकर कहेगा कि लीजिए ये पानी, और आप इतनी खूबसूरत है तो आपको अकेला रहना सही नहीं है, आप अपने पति के साथ रहिए ना। तभी यह सुनकर लक्ष्मी वो मलिष्का के नशे वाले ग्लास को साइड पर रख देगी और कहेगी नो थैंक्स, मुझे पानी नहीं चाहिए। तभी यह सब पीछे से देखकर ऋषि जब वहाँ खुद लक्ष्मी के लिए पानी लेकर आएगा और उस आदमी के सामने लक्ष्मी को पानी देगा, तभी लक्ष्मी उस पानी को पी लेगी और पीछे से मलिष्का और मलिष्का की माँ को लगेगा कि लक्ष्मी ने पानी पी लिया है। अब कुछ ही देर में लक्ष्मी नशे की हालत में बेहोश हो जाएगी। इसी वजह से जो लक्ष्मी ने मलिष्का के भेजे हुए पानी को नहीं पिया था, उस पानी वाले नशे के ग्लास को लेकर वेटर जब मलिष्का की माँ के पास जाएगा, तभी मलिष्का की माँ उस नशे वाले पानी को पी लेगी, जिसे पीकर मलिष्का की माँ नशे में डूल होकर बेहोश हो जाएगी। लेकिन जब पार्टी में ऋषि और लक्ष्मी दोनों डांस कर रहे होंगे, तभी लक्ष्मी अचानक से मलिष्का को पार्टी में देख लेगी, और लक्ष्मी जब मलिष्का को पकड़ने के लिए जाएगी तभी मलिष्का वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन ऋषि काफी गुस्से से उस आदमी को कहेगा कि तुम मेरे लक्ष्मी से दूर रह, लक्ष्मी इज माय वाइफ। तब वो आदमी कहेगा कि ओहो जेलस। तब यह सुनकर ऋषि सच बताते हुए कहेगा कि तुमने जो होटल में कहा था वो तुमने अपने दिल से लक्ष्मी की तारीफ करके कहा था, और तुम अपनी जगह गलत नहीं हो। एंड रही बात मेरी, तो हाँ मैं मेरी बेबी लक्ष्मी से जलता हूँ, आई एम जेलस फ्रॉम हर, लेकिन तुम लक्ष्मी को बताना मत कि मैं उससे जलता हूँ। जिसके बाद जब लक्ष्मी ऋषि के पास आएगी और ऋषि से बिना बात किए हुए इग्नोर करके आगे जाएगी, तभी ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि अरे रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तब लक्ष्मी कहेगी क्या बात करनी है? तब ऋषि कहेगा वो मुझे मेरी मीटिंग खत्म करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी कहेगी इतनी रात को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहो मेरे साथ। तभी यह सुनकर वो पीछे से आदमी कहेगा कि अरे ऋषि, तेरे दिल में अगर लक्ष्मी के लिए प्यार है तो बोल देना यार उसे कि तुझे उससे प्यार है। लेकिन ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, जिस वजह से जब ऋषि स्विमिंग पूल के पास से गुजरेगा, तभी ऋषि का पैर स्विमिंग पूल में फिसल जाएगा एंड ऋषि जोर से स्विमिंग पूल में गिर जाएगा, और लक्ष्मी ऋषि को बचाते हुए चिल्लाकर ऋषि कहकर स्विमिंग पूल में गिर जाएगी। लेकिन स्विमिंग पूल काफी गहरा ना होने की वजह से जब ऋषि उस स्विमिंग पूल में खड़ा होगा, तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा, और लक्ष्मी गुस्से से ऋषि को कहेगी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम अपना खुद से ध्यान नहीं रख सकते? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? यह सब कहकर लक्ष्मी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी को पता चलेगा कि मलिष्का यहाँ पर आई है और वेटर के जरिए लक्ष्मी को उसने नशे में करने की चाल चली थी, तभी लक्ष्मी खुद उस वेटर के जरिए मलिष्का की ही चाल से मलिष्का को नशे वाली दवाई मिलाकर पिला देगी, और मलिष्का अपनी माँ के साथ साथ वहीं बेहोश हो जाएगी। और लेकिन ऋषि को महाबलेश्वर में लक्ष्मी को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को मलिष्का की चाल को उसके ही तौर तरीके से जवाब देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।